हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 146 से 171 तक सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पिछली एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 से। आलू की आंखें उपयोगी होती है, आलू की आंखें उपयोगी है। ऑप्शन है पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कायिक प्रबंधन के लिए हम आलू की आंखों का उपयोग करते हैं। 146 का ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है, तो कहाँ रहता है? तो आपको पता है कि यह जो फीताकृमि है यह आंत में रहता है, और किस में आंत में रहता है? आदमी और औरत की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, क्योंकि उसमें कंपाउंड आंखें होती हैं, संयुक्त आंखें होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने चारों ओर देख सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 149। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 0.8 सेकंड में हृदय की एक धड़कन पूरी हो जाती है, जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर पूरा हो जाता है। कंप्लीट एक चक्र को पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय हृदय लेता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? तो आप सभी को पता है कि यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेनक्रियास, वक यानी किडनी, ये तीनों ग्रंथियां हैं और उदर कोई ग्रंथि नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ आपको पता है ऑप्शन थर्ड यानी फूल की कली से। फूल की कली से हम लौंग को प्राप्त करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें किसकी कमी होती है? तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी होती है मेनली। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों दे रखा है, सेकेंड और थर्ड। फिर आगे दे रखा है आयरन और कैल्शियम। आपको पता है दूध में कैल्शियम तो होता है, तो संतुलित आहार नहीं माना जाता है, यानी उसके अंदर क्या नहीं मिलेगा? आयरन नहीं मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूध में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के पाया जाता है, परंतु उसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होने की वजह से इसको संतुलित आहार अब नहीं माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्री रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से हमें उदर यानी पेट में दिक्कत होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है 154। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य है, मतलब जो WBC होता है उनका कार्य पूछा है। तो आपको सभी को पता है कि जो WBC होती है वह शरीर की रोगों से रक्षा करती है। 154 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, तो जो WBC होती है, जिन्हें वाइट ब्लड कार्पसल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएँ बोलते हैं, विशेष प्रकार की रुधिर कणिकाएँ होती है जो शरीर को किसी भी रोग से संक्रमित होने पर उस पर विशेष संक्रमित स्थल पर यह पहुंच जाती है और हानिकारक जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण होने से बचाती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 155। क्वेश्चन है, इलीजा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि इलीजा टेस्ट का संबंध एड्स से होता है, तो एड्स की जांच की जाती है इलीजा टेस्ट के माध्यम से। तो इलीजा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंटा, एंजाइम लिक्विड
इम्यूनोसोर्बेंटा, ये इलिजा का पूरा नाम है और यहाँ पर एड्स प्रतिरक्षी के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप सभी को पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी का कोशिका होती है। जब लगभग इसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लगभग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो देह निर्माता यानी प्रोटीन को कहा जाता है देह निर्माता। देह देह का मतलब होता है शरीर। शरीर के निर्माण में विशेष योगदान किसका होता है? तो आप बता सकते हैं 157 का ऑप्शन नंबर एक यानी प्रोटीन। आपको पता है जैसे ही हमारा शरीर डैमेज होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो प्रोटीन अधिक से अधिक लिया जाता है ताकि शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत जल्दी से जल्दी हो सके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो यहाँ पर बायोप्सी, बायोप्सी परीक्षण किया जाता है। कैंसर की जांच के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? बायोप्सी परीक्षण करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो जब निर्जलीकरण होता है, जिसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहा जाता है, उसमें शरीर में जल की कमी होती है। परंतु जल की कमी यहाँ पर ऑप्शन में जल नहीं दे रखा, इस तरह से हम सॉल्ट की कमी बताते हैं। और वो सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सामान्य भाषा में नमक कहते हैं। जो सोडियम क्लोराइड होता है जल को बांध के रखता है, जल के मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से जल का मॉलिक्यूल रहता है शरीर के अंदर उपस्थित। यदि शरीर में निर्जलीकरण हो रहा है तो जल के साथ साथ NaCl यानी लवण की भी कमी होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में NaCl और जल दोनों दे रखे तब आपको जल टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो आपको पता है आयोडीन जो होता है हमें समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। जो आयोडीन है वह लेमिनेरिया नामक जो समुद्री शैवाल होता है वहाँ से प्राप्त होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगला प्रश्न है 161, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो आपको पता है क्लोरोफिल में मुख्य रूप से पाए जाने वाला जो तत्व होता है वह होता है आपका मैग्नीशियम। हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, कार्बन भी होता है, परंतु अंदर कैल्शियम नहीं होता है। क्लोरोफिल का घटक नहीं है, यानी कौन सा घटक नहीं है? कैल्शियम नहीं है। बाकी मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है, हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो इस तरह से 161 का ऑप्शन फोर्थ यानी कैल्शियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपको पता है सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी होता है वो शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, यह एक ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता परंतु तेज भाग सकता है। और इसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है, जिसका साइज लगभग 170 से 130 mmHg होता है। ठीक है, यह एक ऐसी कोशिका होती है जिसको देखने के लिए हमें किसी सिस्टम की या किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन टू यानी शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 163, हार्मोन्स आमतौर पर किस में नहीं बनते? तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली में हार्मोन्स नहीं बनते, चूहा में बनते हैं, बैक्टीरिया में बनते हैं और बंदर में बनते हैं। किस में नहीं बनते? तो हार्मोन्स बिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर का कारण है? तो डेंगू ज्वर होता है, जब डिसीज वाला चैप्टर होता है तो उसमें मैंने बताया था कि जो डेंगू ज्वर होता है वह वायरस की वजह से होता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? वायरस होता है। ना तो कंगव होता है, ना प्रोटोजो होता है, ना बैक्टीरिया होता है, क्या होता है? वायरस होता है, जिसे अब विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डेंगू जो होता है वायरस जनित रोग है, इसमें ज्वर की प्रधानता के साथ अन्य लक्षण भी होते हैं। डेंगू वायरस एक अरबो वायरस है जिसके कम से कम चार प्रकार के होते हैं। और एडिच इजिप्टी नामक मच्छर इस वायरस का मुख्य वाहक होता है। वर्षा के मौसम में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जल जमाव पर
इन मच्छरों का बसेरा होता है। मच्छर के काटने से मनुष्य को रक्त स्त्राव सहित या रक्त स्त्राव रहित ज्वर पैदा होता है, उल्टियाँ भी होती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चलता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है और लाल चकते उभरते हैं, मसूड़ों में खून निकलने लगता है। इस तरह से बहुत सारे लक्षण होते हैं डेंगू ज्वर के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 164 का ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो उत्तम कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, जिसे आप हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से या लिपोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उत्तम क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रुधिर को प्रभावित करती है। 166 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यह बच्चों को माता पिता से मिलने वाला एक अनुवांशिक रोग होता है, एक अनुवांशिक रुधिर रोग होता है, और इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं और इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही हो पाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 167 का। आपको पता है कि उत्पादक के रूप में हम पादप देख लेते हैं और एक शाकाहारी खरगोश होता है और मांसाहारी बाघ होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा केराटिन। केराटिन जो होता है वह त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है। काइटिन द्रव जो होता है, सॉरी केराटिन नहीं आएगा, काइटिन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो काइटिन होता है वह द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बना देता है, और काइटिन जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त संशोधित बहुशर्कराइड होता है। यह नाइट्रोजन एसिटा ग्लूकोसोमाइन का संश्लेषित रूप होता है और काइटिन का सेलुलोज के रूप में वर्णन भी किया गया है, ठीक है। तो ये क्या सभी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अलग कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग कंपोजिशन होता है, बाकी सभी ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो यहाँ पर 168 का बात करें तो कौन सा द्रव्य त्वचा की परत के लिए जल के लिए अभेद्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी काइटिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 169, खाद्य प्रोटीन के 2 समृद्ध स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है, मांस एवं अंडे, दूध और सब्जियाँ, सोयाबीन और मूँगफली, और एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सोयाबीन और मूँगफली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 170, औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से खरपतवार को उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन है पार्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी, 4th ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पार्थेनियम और हाथी घास का उपयोग किया जाता है खरपतवार के रूप में, और किसके लिए? जल प्रदूषण को रोकने के लिए। जो औद्योगिक बहिस्त्राव होता है जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है, उसको रोकने के लिए इन 2 खरपतवार का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 171, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से होता है, यानी ब्लड प्रेशर की बात कर रखिए। तो आपको पता है ब्लड प्रेशर का सीधा संबंध अधिवक्र से होता है, जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है, जो दोनों किडनियों पर स्थित होती है, और नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 होना चाहिए, ठीक है। यह हाई होना चाहिए और यह लो होना चाहिए, हमेशा 120 से 80 होना चाहिए। और जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तस्राव होता है, रक्तचाप होता है, वो उसका सहसंबंध जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड से होता है, ठीक है। इस तरह से
और जो ब्लड प्रेशर मापने की जो मशीन होती है उसको स्पिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, और जो हृदय की धड़कन को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चनों का सेट लगाया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।